जनपद महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिलेंडर फटने से 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला जनपद महोबा के अजनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां पर परशुराम के घर पर सिलेंडर फट जाने से परिवार के 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने घायलों की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया। आपको बता दें कि परशुराम पुत्र राधा चरण, चीनू यादव पुत्री परशुराम, संपत पत्नी परशुराम, संतोष पुत्र ओम प्रकाश खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से बुरी तरह झुलस गए। गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रिफर कर दिया गया। तो बड़ी खबर हम आपको जनपद महोबा से बता रहे हैं कि जहां पर सिलेंडर फटने से 5 लोग घायल हुए हैं। पूरा मामला जनपद महोबा के आजिनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। खाना बनाते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सभी को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। एक अजनर थाना क्षेत्र का मामला है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए हैं। एक फैमिली के 4 लोग हैं और काफी बर्न की इंजरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए हैं, जिसके द्वारा पता किया गया है कि सिलेंडर फटने का केस है और मरीज की हालत, जिसमें से माँ बेटी की हालत थोड़ा ज्यादा गंभीर है और काफी ज्यादा बर्न है, इंजरी है कम से 50% की बर्न इंजरी है। तो इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोगा से जांच मेडिकल कॉलेज के रेफर किया जा रहा है। सर कितने लोग इसमें सर जले हुए हैं? टोटल 4 लोग आए हैं, जिसमें से एक अलग है और एक ही फैमिली के 3 लोग, जिसमें तीनों को सीवियर कंडीशन में रेफर किया जा रहा है। महोबा से UP24 न्यूज के लिए संतोष कौशिक की रिपोर्ट।